हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। दिल्ली में सरकार, यूपी में सरकार, फिर भी दोनों सीटों पर हार। ये हार भले उपचुनाव की हो, भले झांकी हो, लेकिन अभी 2019 बाकी है और नतीजे आईना दिखाने के लिए काफी। आप मंथन के लिए जरूरी है क्योंकि 2019 ज्यादा दूर नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार के लिए नतीजे 2019 के आम चुनाव से पहले ट्रेलर जरूर साबित होंगे। बार बार उपचुनाव में हार मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रही है और इसे मोदी सरकार के 4 साल के कार्यकाल पर उत्तर प्रदेश का पहला आकलन मानना चाहिए। 2014 का दौर ऐसा था जब ना तो यूपी में बीजेपी की सरकार थी ना ही दिल्ली में, फिर भी गोरखपुर और फूलपुर बीजेपी बड़े अंतर से जीती। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में दोनों सीटों पर जीत ऐसे वक्त में दर्ज की थी जब केंद्र में कांग्रेस सत्तारूढ़ थी और राज्य में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी सत्ता में थी। ऐसे में फूलपुर जैसी वो सीट जीती जिस पर बीजेपी का कभी खाता भी नहीं खुला था। वो सीट जिससे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सांसद पहुंचे, तो हाल की राजनीति में समाजवादी पार्टी से बाहुबली अतीक अहमद भी यहां से संसद पहुंचे। वहीं गोरखपुर सीट की बीजेपी के लिए अहमियत इसलिए भी है कि यहां से लगातार 5 चुनाव जीतने वाले योगी आदित्यनाथ को 2017 में राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन उपचुनाव में हार गई। फूलपुर और गोरखपुर का उपचुनाव उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से भी खास है क्योंकि 2 दशक की सियासी दुश्मनी के बाद सपा बसपा साथ आए और बीजेपी को मात दे डाली। बहुजन समाज पार्टी ने दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में उम्मीदवार नहीं उतारा और समर्थन सपा उम्मीदवार का किया और ये फॉर्मूला सफल रहा जिसके सारे 2019 के आम चुनाव में बीजेपी के सामने चुनौती दी जा सकती है। हालांकि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साठगांठ से दूरी बनाई, लेकिन 2019 में तस्वीर कुछ और भी दिखाई दे सकती है। यानी 2019 के लिहाज से बीजेपी के लिए संकेत अच्छे नहीं। अगर पार्टी आत्ममंथन करती है तो बात बन भी सकती है। सोचना होगा कि कहां चूक हुई, क्यों वोटरों ने मतदान से दूरी बनाई और क्यों सीएम डिप्टी सीएम की सीट पर हार का मुंह देखना पड़ा। नहीं तो 2019 की रात धूबर होने में देर नहीं लगेगी और फिर एक बार 2004 दोहराता नजर आएगा जब शाइनिंग इंडिया के शोर में सब दब गया और बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।